हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड वेलकम बैक टू टैक प्लस गैजेट्स डॉट कॉम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियोस थी जो मैंने शाओमी स्नीकर्स के ऊपर बनाई थी उस पर अराउंड 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं ताकि मैं और वीडियोज़ फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो थैंक यू सो मच। और आप चाहते हैं शाओमी का स्नीकर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने आई बटन में देके रखा है उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि वो शूज़ आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए वीडियो पूरा देखने से पहले। लाइक करिए लेकिन वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, लाइक थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। तो फाइनली एपेक्स जो बहुत सारी लीक्स आ रही थी कि जो एक कोई गेम है वो आने वाला है, रॉयल बैटल की तरह होगा जो पबजी और फोर्टनाइट वगैरह को टक्कर देगा, तो हाँ वो गेम आ चुका है। एपेक्स लेजेंड्स करके वो गेम है जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब काफ़ी बेहतर गेम है वो। इस गेम की क्या खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इंडिया में पबजी फोर्टनाइट जैसे गेम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छाप के रखा है इंडिया के अंदर। पबजी ज़्यादा है क्योंकि पबजी मोबाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ चुका है कि हर किसी के फ़ोन में आज के टाइम पे पबजी है, हर किसी के जवाब पे पबजी है, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री के जवाब पे भी पबजी का नाम आ गया है। ये पबजी वाला है क्या? तो इस तरीके से पबजी इतना ज़्यादा फेमस है, तो उसी को टक्कर देने के लिए आ चुका है रिस्पॉन्स ने। ये कल ही ऑनलाइन किया है उस गेम को, उसका नाम है एपेक्स लेजेंड्स करके। और ये इसकी खासियत ये है कि ये गेम फ्री है, आप पीसी और एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन वगैरह के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। और 22 GB समथिंग का इसका शायद इंस्टॉलेशन है, तो आप उसको डाउनलोड करके अभी तुरंत के तुरंत खेल सकते हैं। तो इस गेम के बारे में बात करेंगे, मैंने इसका गेम प्ले वगैरह भी देखा है और इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये बैटल रॉयल गेम है, पबजी और फोर्टनाइट जिस तरीके से चलता है, ओपन वर्ल्ड है, आपको एक आइलैंड पे उतार दिया जाएगा और आप लोगों की टीम एक दूसरे की टीम को नॉकआउट करना, उसी की तरह ये गेम है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि बेस्ट पार्ट तो इसका जो है वो यही है कि वो ये गेम फ्री है। और तीसरी ये है कि जो इसकी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्रिस्प, बिल्कुल कलरफुल है, स्टाइलिश है, और इसका जो शूटिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू पबजी और फोर्टनाइट, क्योंकि गन्स वगैरह बहुत अच्छे से इसमें देखने को मिल रही है। और इसमें आप थर्ड पर्सन शूट भी खेल सकते हैं और फर्स्ट पर्सन भी खेल सकते हैं, और इसका एक्सपीरियंस आपको पबजी फोर्टनाइट की तरह ही मिलने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो इसका जो मेन फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एट क्लास कैरेक्टर मिलेंगे। एट क्लास कैरेक्टर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसमें एट तरीके के कैरेक्टर जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और उन आठ कैरेक्टर की स्पेशलिटी ये है कि उन सबकी अलग अलग पावर्स और स्पेशलिटी है जिसको आप यूज़ करके गेम को और बेहतर बना सकते हैं। वो ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे उसमें एक प्लेयर है, उसका नाम बैंगलोर है, तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो अपने आप को कवर कर सकता है, मतलब फायरिंग से कवर करके रख सकता है अपने आप को। एक है उसका नाम है ब्लड हॉट नट करके है, जो टेक्नोलॉजी ट्रैक है, उसमें आप दुश्मन की जो अपोजिट पार्टी है उसकी ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो, उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रैक कर सकते हो, वो कहाँ पर है वो ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से आठ कैरेक्टर है, उन आठ कैरेक्टर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो ये जो चीज़ है वो गेम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाली है एपेक्स लेजेंड्स के अंदर। जैसे पबजी और फोर्टनाइट में होता था अराउंड 180 प्लेयर्स जो हैं वो मैप में जो रहता था वो जंप करते थे किसी पर्टिकुलर मैप में, तो उसी की तरह है, लेकिन इसमें 60 प्लेयर्स हैं वो जंप करते हैं और बैटल रॉयल के लिए, और गेम 60 प्लेयर के साथ हम इसमें खेल सकते हैं। स्क्वाड की बात करते हैं तो तीन प्लेयर की स्क्वाड बना सकते हैं हम इसमें, और तीन प्लेयर हम इसमें उतर के मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें तीन प्लेयर का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि मैंडेटरी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे पबजी और फोर्टनाइट है वो क्या करता है कि सोलो प्लेयर्स और डुओ प्लेयर्स भी खेलने की अवेलेबिलिटी देता है, बट इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है।
तीन प्लेयर आपको होने ही चाहिए तभी ये गेम आप खेल सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि तीन प्लेयर इसलिए बोला है क्योंकि अगर तीनों के पास अलग अलग पावर है, अलग अलग कैरेक्टर है, तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो गेम को बहुत अच्छा बनाता है। तीनों प्लेयर अलग अलग चूज़ करते हैं तो आप वो तीनों को मिला के बहुत अच्छा गेम क्रिएट कर सकते हैं और अपना अपने खेल सकते हैं, तो इसलिए इसमें मैंडेटरी करा है। कुछ खासियत लेके भी ये गेम आता है एज़ कम्पेयर टू पबजी और फोर्टनाइट। इसकी खासियत ये है कि अगर आपका टीममेट आउट किल हो जाता है या फिर घायल हो जाता है तो उसको आप रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन जैसे पबजी और फोर्टनाइट में होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसी के अंतर्गत आपको वो उसको रिवाइव वगैरह करना रहता है ओपन ओपन फील्ड के अंदर अगर वो है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप उस अपने टीममेट को लेकर एक उसको उठाकर एक सिक्योर प्लेस पे ले जाकर उसे रिवाइव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छा बनाते हैं इस गेम को। यूनिक चीज़ें भी निकल के आती है, जैसे आप शूट होते हो और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको रिवाइव को होना है तो इसमें एक शील्ड आती है जिसको आप ग्रेनेड की तरह फेंक के उस शील्ड के अंदर जाके आप अपने आप को रिवाइव वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ नई चीज़ें हैं जो एपेक्स लेजेंड्स लेकर आ रहा है आप सभी के पास। तो इस गेम ने बहुत ज़्यादा धूम मचा दी है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये एक ही दिन हुआ है इसको रिलीज़ हुए और इसने अराउंड 20 मिलियन यूनिक डाउनलोड इसके हो रहे हैं। ये थे कुछ मेन फीचर्स इस गेम के बारे में, मैंने आपको बताया है, कुछ गेम प्लेस वगैरह भी दिखाए। तो मैं इस गेम को इंस्टॉल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा अपने लैपटॉप में और इसको ज़रूर खेलूँगा और आपको इसका गेम प्ले मैं इन फ्यूचर ज़रूर लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हमारी वेबसाइट भी है जो लाइव हो चुकी है, जो लाइव है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं सारी टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह डालता हूँ, तो प्लीज़ इस वेबसाइट को भी विजिट करिए। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे चुकी है और हम सोशल मीडिया पे भी है, उसकी भी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।